प्यारे साथियों नमस्कार। कल आपका कमेंट आया था गुणा और भाग की मिश्रित गणना में कि सर अगर हर से अंक अधिक हो तो हम उस समय मिश्रित गणना को किस प्रकार से करेंगे। साथियों आप लोगों के मांग पर ही आज हम निश्चय लेकर आए हैं गुणा भाग की मिश्रित गणना, जिसका अंक हर से बड़ा हो ऐसे प्रश्नों का आज हम आपको सलूशन बताने जा रहे हैं। कहीं से कोई डरना नहीं जब तक आपके पास मालिकराम वर्माचार्य जी हैं। गणित को बहुत ही सरलता से हल करिए, सुविधा पूर्वक जो आपको विधि मिल जाता है उससे हम बड़े से बड़े प्रश्नों को एक ही पंक्ति में बहुत ही कम समय में बिना रफ कार्य के किस प्रकार हल करते हैं, ये हम वैदिक गणित के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा और जहाँ पर समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर दूसरे वीडियो में जरूर देंगे। यह गणित बहुत ही सरल गणित है, हम बहुत कम समय में कैसे हल करते हैं इस विधि के माध्यम से बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रश्न है, प्रश्न मैं लिख देता हूँ 384×385 और यहाँ पर लिखता हूँ 381। आपके प्रश्न का जो कमेंट आया था कि हर से अंश अधिक हो तब हम उसका मिश्रित गणना सरलता से किस प्रकार से करते हैं। देखिए आपके पास प्रश्न आ गए हैं 384×385/381। हम देख रहे हैं कि हर से अंश जो है दोनों बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में हम बड़ी ही आसानी से गुणा अर्थात उसका भाग और गुणा को मिश्रित गणना बहुत आसानी से करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस वीडियो में जो पहली बार जुड़े हैं वो मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब पहले से कर लीजिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा देखिए। सबसे पहले हम 381 हर में है तो 381 लिख देते हैं, हर हमारा चेंज नहीं होता। उसके बाद हम हर से अंश कितना अधिक है ये देख लेते हैं, तो यहाँ कितना अधिक है 3 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 3 और 4 हुआ 7, तो 7 हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना उत्तर प्राप्त होगा 388। कितना प्राप्त होगा 388। यहाँ तक समझ आ गए, जितना यहाँ डिवीजन है जो डिवीजन है उस डिवीजन को हम हर में जोड़ देते हैं और हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए यहाँ 3 और यहाँ पर 4, तो 3 और 4 को जोड़ देते हैं और किसमें जोड़ते हैं हर में जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाता है 388। सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, जितना अधिक है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ कितना आया था 3 और यहाँ कितना आया था 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 और 4 का मल्टीप्लाई किए तो 12 हुआ। इस प्रकार से हम सरलता से प्रश्न हल कर सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न 264×267/263। हम जो प्रश्न ले रहे हैं अंश की जो संख्या है वह हर से बड़ी है, आपका कमेंट में यही आया था कि अगर हर अंश से छोटी हो अर्थात अंश जो है हर से बड़ी हो, दोनों कहने का मतलब यही है कि अंश जो है हर से बड़ी हो या अंश जो है अंश से
हर छोटी हो, है ना। तो हर को हम छोटी संख्या ले लिए, अब इसके बाद हम हर करते हैं। सबसे पहले हम जो हर है 263 उसको हम 263 उस सेम वैसी को से लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 263 से एक अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 और 1 कितना हुआ, 5, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 263 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 268, कितना हुआ 268। अब ये जितना अधिक है उसको हम गुणा कर देते हैं तो 4 सेकंड कितना हुआ, 4, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है। कितना सेकंड लगता है, तुरंत जोड़ना उसका गुणा करना लिख देना, है ना। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, 452 गुणे 454 बटे 453। अब इसमें जो हर है, आपकी कंडीशन के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ, अंश जो है हर से बड़ी हो, तो अंश को हमने हर से बड़ी संख्या ली है, हर को जो का क्यों लिख देते हैं 451। अब 451 लिखे, यहाँ से हम देख लेते हैं ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 और 1 4, 4 हम इसमें जोड़ देते हैं, 451 में कितना हो जाएगा, 455, कितना हो गया, 455 हुआ। और 3 और 1 का गुणा कर देते हैं, 3 और 1 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर 455 सही 3/451 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका कोई भी कमेंट हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन अवश्य बताएंगे। साथियों, ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, और जो पहले बार जुड़े हैं मेरे मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट को हम हमेशा ध्यान रखते हुए अगले वीडियो हम बताते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।